Jack it up. हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर वेल। तो हमारे आर्म वर्कआउट सीरीज का ये तीसरा वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा फोर आर्म की वर्कआउट। मैं बताऊंगा फोर आर्म की फाइव एक्सरसाइजेस जिसको आप घर पे कर सकते हैं और कोई भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, इन एक्सरसाइजेस के आपको 3 से 4 सेट करने हैं और रिपीटेशन टिल फेल, मतलब जब तक आपकी मसल जवाब ना दे जाए तब तक रिपीटेशन करने हैं। इसमें रिपीटेशन का कोई काउंट नहीं रहेगा। सो 3 से 4 सेट कीजिए और रिपीटेशन टिल फेल। फोर आर्म्स की एक्सरसाइज हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि बाइसेप या ट्राइसेप्स। अगर आपके बाइसेप या ट्राइसेप्स अच्छे हैं और फोर आर्म्स नहीं हैं, पतले हैं, तो बाइसेप्स अच्छे नहीं लगेंगे, आपके आर्म्स अच्छे नहीं लगेंगे। तो चलिए आइए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं 5 वर्कआउट ऑफ फोर आर्म्स। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज जिसमें आपको अपने फोर आर्म्स को फ्लैक्स करना है। सो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी सेकेंड एक्सरसाइज, जिसके लिए मैंने थोड़ी जुगाड़ बनाई है। हम एक स्टिक ले लेंगे, स्टिक में एक रोप बांध के उससे वेट लगा लेंगे, उसमें हम वेट हैंग कर लेंगे। वेट में मैंने ब्रेक लिया है, आप चाहें तो इसमें 2 ब्रेक बांध सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी सेकेंड एक्सरसाइज। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी थर्ड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज के लिए मैंने लिया है ब्रिक। तो चलिए मैं बताता हूं आपको। ब्रिक्स को हाथ में पकड़ के अपने रिस्ट को ट्विस्ट करेंगे। ये फोर आर्म्स की काफी अच्छी एक्सरसाइज है। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी सेकंड लास्ट यानी कि फोर्थ एक्सरसाइज। इसके लिए भी आपको ब्रिक चाहिए, 3 से 4 सेट करने हैं और रिपीटेशन टिल फेल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको दोनों ब्रिक्स को अपने हाथ में पकड़ लेना है लाइक दिस। एंड व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू ट्विस्ट अपवर्ड। सो लाइक दिस, आप देख सकते हैं फोर आर्म्स काफी अच्छे पंप हो रहे हैं। आपको हाथों को मूव नहीं करना है, सिर्फ रिस्ट से आपके जो ब्रिक है रिस्ट और हाथों के थ्रू ऊपर लाना है। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी फिफ्थ और लास्ट एक्सरसाइज। इसके लिए भी आपको ब्रेक चाहिए, तो आई विल टेल यू हाउ टू डू इट। तो आप हाथों में ले लेंगे एंड अपने हाथों को बैक के पैरेलल पीछे की तरफ रखना है और पूरे हाथ को मूव नहीं करेंगे आप, हाथों को मूव नहीं करेंगे आप, सिर्फ आपको रिस्ट को मूव करना है। अब
तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इन एक्सरसाइजेस को घर पर ट्राई कीजिए आपके अच्छे फोरआर्म्स के लिए। आप देख सकते हैं कि मेरे फोरआर्म्स काफ़ी पंप हो चुके हैं इन एक्सरसाइजेस को करने से। अगर आपको अच्छे फोरआर्म्स चाहिए तो ये एक्सरसाइज आप घर पर ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए आपको जिम में जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे और भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और बने रहिए इस चैनल पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।